तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूँ जी, और आप लोग देख रहे हो टोटल गेम यूट्यूब चैनल। और आज अपन खेलने वाले एक नया गेम ग्रेनी, एक हॉरर गेम है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को मत देखना, मैं फन के लिए बोल रहा हूँ। बट बहुत ही ज़्यादा मतलब ओसम गेम है, और आपको थोड़ी थोड़ी जगहों पर डर भी लगेगा। तो वीडियो का एंड तक देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक सबसे पहले लाइक कर दो यार, मैं भीख मांग रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। बट चलो कोई नहीं यार, तो लाइक कर देना इस वीडियो के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्रेनी गेम का नाम है, एंड्रॉइड के अंदर अवेलेबल है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रेनी का चैप्टर 1 एकदम ओसम गेम है, और यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है। हमें जस्ट एक घर के अंदर पैक कर दिया गया, हमें घर के अंदर से एस्केप करना है, मतलब भाग जाना है एक चिमकांडी की नज़रों में आए बिना। यहाँ पर एक भूत है जिसका नाम मैंने चिमकांडी रखा है, वो भूत से हमें बच के इस घर से एस्केप करना है, मतलब भाग जाना है यहाँ से। और उसके लिए हमें शॉटगन चाहिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो वीडियो के एंड तक देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक गेम है, तो आप देखते रहिए। तो यहाँ पे मुझे मिला एक शॉटगन का आगे का पार्ट, जो एक ना इस गेम के अंदर एस्केप करने के लिए हर एक चीज़ हमें पार्ट वाइज मिलेगी, मतलब पार्ट में मिलेगी, उसको पूरा हमें कंप्लीट करना है और भागना है। तो मुझे एक शॉटगन का पार्ट मिला है, अभी मेरे ख्याल से चिमकांडी आती होगी। मैंने क्योंकि इसको नीचे गिराया था शॉटगन का, तो मुझे लग रहा है कि चिमकांडी मेरे को मारने के लिए इधर आ सकती है। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, जैसे ही वो आएगी मैं छुप जाऊँगा। मतलब ये गिरा है मैंने, अब मतलब आ जाएगी। मैंने आवाज़ किया है, हमें आवाज़ नहीं करना है वरना चिमकांडी नीचे आ जाती है। ओके, यहाँ से हम अपन जाएंगे नीचे वाले रूम में। नीचे वाले रूम में गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, इस गाड़ी को लेके हमें भागना है। और फिर से मैंने थोड़ा सा आवाज़ कर दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया जो शॉटगन का आगे का पार्ट था वो, और गाड़ी के अंदर मैं बैठ गया हूँ। और देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की मतलब हड़बड़ी की है, मतलब हिलाया है बहुत ज़्यादा चीज़ों को, तो इसकी वजह से छिपना ज़रूरी है क्योंकि चिमकांडी आती होगी। ओके, मैं वापस से गाड़ी से बाहर निकल गया, कोई चिमकांडी आने वाली है नहीं मेरे ख्याल से, आ नहीं रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे देख सकते हो हमें मिला यहाँ पे एक वेपन की, वेपन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हमें वेपन की मिल चुका है जो कि सबसे बढ़िया बात है इस गेम के अंदर। वेपन की से होगा ये कि हमें एक वेपन निकालना है, क्रॉसबो, जैसे फ्री फायर में क्रॉसबो आता है वैसे इसके अंदर भी क्रॉसबो मिलेगा। और ग्रेनी आ गई, ओ भाई पकड़ लिया इसने, मैंने बोला था ये चिमकांडी पकड़ लेगी, अब मेरे को मार डालेगी। ओ भगवान, एक दिन तो खत्म भी हो गया गाइज। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमें 5 ही दिन मिलेंगे इस रूम से बाहर निकलने के लिए, हमें 5 दिन मिलेंगे। और हमें एक बार तो ये चिमकांडी ने मार दिया है, दूसरा दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है। 5 दिन के अंदर हम घर से, हमें घर से बाहर निकलना है, वरना पूरा अपन यहाँ पे फिट हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो हमें 5 दिन के अंदर ही बाहर निकलना है। पहला दिन हमारा ख़त्म हो गया है क्योंकि हमें हमको चिमकांडी ने मार दिया है पहले दिन के अंदर। अब हमें फिर से स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। हम नीचे जाएंगे क्योंकि वेपन की वहाँ पे है, मेरे को वेपन की फिर से ज़रूरत पड़ने वाली। ओके, तो वेपन की लेके उससे पहले इंजन पार्ट, इंजन पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब अपन गाड़ी के अंदर जो इंजन आता है उसे बनाए गए तब। तो इंजन पार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए अपन लोग इंजन को, इंजन जो पार्ट है उसको लेके ही नीचे की साइड जाएंगे। तो चलो इंजन को लेके नीचे के मतलब गाड़ी के पास जाते हैं। तो मुझे इंजन पार्ट की ज़रूरत थी, इंजन पार्ट को लेके मैं आ चुका हूँ गाड़ी के पास। इसको मैं ऊपर की तरफ मतलब घसूड़ूंगा तो मतलब नीचे ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर मैंने इंजन पार्ट लगा दिया है। अब इस घर को अपन ओपन करते, साइड पे भी एक घर है तो उसको ओपन करके देख लेते उसके अंदर क्या है, क्योंकि उसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मतलब ये एमओ है, शॉटगन अगर अपन लोग बनाते हैं दो, देखो इस रूम के अंदर से अपन दो तरीके से निकल सकते हैं, या तो हम दूसरे मतलब एक तरीका है, मतलब जो एक आता है डोर उसको ओपन करके निकल सकते हैं, या तो गाड़ी को लेकर निकल सकते हैं। बट मैंने गाड़ी वाला रास्ता इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो दरवाज़ा ओपन करके भागने वाली चीज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा माथा मतलब मगज का दही हो जाने वाली चीज़ है। बट गाड़ी से निकलना थोड़ा सा आसान है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गाड़ी के निकलना भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसका भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। बट मैंने गाड़ी के जाना मतलब सही समझा कि क्योंकि मैं गाड़ी से जाना चाहता हूँ क्योंकि गाड़ी मेरे को पसंद है, तो गाड़ी से ही जाएंगे। और यहाँ पर मेरे को एक की मिल चुकी है वेपन की, मैंने ढूंढ ली, और वेपन की जो मैंने वहाँ पर ग्रेनी ने मेरे को मारा था तब मेरे हाथ से छूट गई थी, और मैंने जैसे बोला वेपन की बहुत काम की चीज़ है। अभी मैंने एक चीज़ मतलब नीचे गिराई है तो मेरे ख्याल से चिमकांडी आती होगी, तो मुझे चिमकांडी को मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट वेपन की को लेके मैं वेपन लूटने के लिए ऊपर की साइड जाने वाला हूँ अभी। तो अभी मैं वेपन की को लेके यहाँ पे आ चुका कबाड़ के पास, और कबाड़ से मैंने क्रॉसबो ले लिया है, और क्रॉसबो के अंदर एक ऐसा एमओ आता है, इस एमओ के जरिए आप जो चिमकांडी आती है उसको बेहोश कर सकते हो 2 मिनट तक। 2 मिनट तक वो हिलेगी नहीं, और ये चिमकांडी आ गई और इसको मैंने मार दिया। अब 2 मिनट तक चिमकांडी का काम खल्लास, ये थोड़ी सी भी हिलेगी नहीं। अगर गाइज आप इसके नज़र में आ जाते हो, अगर आपने इसको मतलब 2 मिनट के लिए नहीं मारा है तो आपको कहीं से भी पकड़ के मार डालेगी। यहाँ पर मेरे को एक सीक्रेट कमरा मिला जो मैंने पूछा था, उसको साइड से हटा, और ये क्या है? ओ भाई साहब, सीक्रेट दरवाज़ा, सीक्रेट दरवाज़ा के अंदर भी एक बेबी पड़ा था, और उसके पास भी एक चीज़ पड़ी थी, वो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख ले इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है इन दोनों के अंदर। अब देख लेते आगे के ऊपर की साइड वापस ही जाते और देखते क्या चीज़ें हैं। ग्रेनी तो मतलब जो अपनी चिमकांडी वो तो डाउन ही है, तो यहाँ पर अपन लोग आ चुके हैं, और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस कमरे के साइड अपन लोग जाते हुए, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कुछ चीज़, मेरे ख्याल से मिलना तो चाहिए। ओके, यहाँ इस रूम में भी कुछ नहीं है,
ओके अब यहाँ पे भी चीज़ें देख लेते हैं। ओके यहाँ पे एक वो पड़ी थी बुक की भी अपन को आगे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी एक चीज़ पड़ी हुई है उसकी भी आगे ज़रूरत पड़ेगी मुझे। गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस गेम के अंदर जो भी चीज़ मेरे को एक मिलती है, देखो एक कुएं के अंदर से बाहर निकल कुआ को जो आता है उसको ऊपर की तरफ लेने वाली चीज़ है। अब मुझे ना परफेक्ट नाम सभी चीज़ों का इसके अंदर पता नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने अपना खुद का नाम दिया हुआ है, तो मुझे ये सब पता नहीं कि उसका उपयोग क्या होता है। मेरे ख्याल से जो कोगविल आता है ये सभी मतलब ऐसे ऐसे नाम है, तो मैं इतना सही से नाम मतलब नहीं जानता इन लोगों का, मतलब जो चीज़ें आती है तो उसको मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा या तो मैं जो अपना बुलाता उसको। और यहाँ पे मुझे एक और चाबी मिल गई, इसको याद रखना, यहाँ से जो ये चाबी मेरे को दिखी है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। गेंद मतलब जब तक चिमकांडी 2 मिनट तक डाउन है वहाँ पे बेहोश है तब तक हमें सारी चीज़ें देख लेनी है कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए जिससे अपन लोग इस घर से भाग सके। मैंने मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें इस 5 मिनट के अंदर आपको कम्प्लीटली बता दी है मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे चिमकांडी का वेट कर रहा हूँ। अगर चिमकांडी यहाँ पे आएगी तो मैं फिर से उसको बेहोश कर दूंगा। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक सीक्रेट दरवाजा ओपन करके, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक और जगह पे जहाँ पे देख सकते हो एक घर है, छोटा सा एक हाउस है। वो छोटे हाउस के अंदर भी एक चीज़ होगी और जो एक ओके यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। और सामने की साइड एक कुआ भी आपको दिखेगा, कुआ जिसे हम बोलते हैं कुआ भी दिखेगा, उसके अंदर से भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें निकालनी पड़ेगी। और कुएं के अंदर से चीज़ें निकालने के लिए एक विंच व्हील चाहिए, एक विंच हैंडल, सॉरी व्हील नहीं विंच हैंडल चाहिए, ऐसा कुछ नाम है, बट मैं उस कुआ से बाहर निकलने वाला तरकीब बोलता हूँ, वो चीज़ हमें चाहिए। तो वो हमने ऊपर देखी थी, वहाँ पे एक जो एक कमरा था वहाँ पे थी। अभी मेरे ख्याल से चिमकांडी आनी चाहिए, बट चिमकांडी आके नहीं, मैंने बेल बजा दिया है। मैं बेल इसलिए बजा रहा हूँ ताकि मेरे पास चिमकांडी आए और मार दूँ। और आगे चिमकांडी, ओके चिमकांडी आ जा आगे चिमकांडी। और यहाँ पे एक और बार मैंने चिमकांडी दो मतलब जो चिमकांडी को कर दिया है बेहोश। अब मैं 2 मिनट तक फिर से वापस से फ्री हो चुका हूँ चिमकांडी से कि हर एक चीज़ मैं देख सकूँ। यहाँ पे मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ और पीछे की साइड निकलता हूँ और आ चुका हूँ इस हाउस के अंदर। मेरे को कौन सी चीज़ चाहिए अभी, मेरे को वो चाहिए विंच, एरा विंच हैंडल, जो कवे के अंदर से मुझे एक चीज़ निकालनी पड़ी, कवे के अंदर एक चीज़ होगी। फिर से मैं वहाँ पर जाता हूँ, ओके। और कवा कहाँ पर गया, कुआ ओके विंच हैंडल जो है मुझे कुएं के अंदर लगाना है, और देखता हूँ क्या चीज़ मिलती है। पहले मैं क्रोसबो उठा लेता हूँ एक बार, मैंने कुछ गलती की है उसको अपन पहले सही करेंगे। मैं जो एक क्रोसबो है उसको लेके ऊपर की साइड जाऊँगा। एक और चीज़ मुझे पहले करनी थी बट मैंने की नहीं, एक जो पेचिया आता है, पेचिया बोलेगी यार उसको क्या बोलेगी मेरे को पता नहीं, उसको हमें चाहिए तो उसको लेने के लिए अपन जाएंगे, चलो आ जाओ। और पेचिया मतलब स्क्रू ड्राइवर, और सामने की साइड स्क्रू ड्राइवर है उसको मेरे को नीचे गिराना है, और मैंने स्क्रू ड्राइवर को गिरा दिया है। और मेरे ख्याल से अभी ग्रेनी भी उठ चुकी होगी तो हमें ग्रेनी को वापस से काम पे लगाना होगा। मैंने स्क्रू ड्राइवर को नीचे गिरा दिया अभी के लिए क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने चाहता आखिर में मैं फिर से इसको क्रोसबो उठाऊँ और मैं फिर से उसको गिराऊँ क्योंकि मुझे फटाफट से अभी करना है कंप्लीट इसको। ग्रेनी जाग चुकी है, ग्रेनी यहाँ से जा चुकी है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ। मैंने क्रोसबो यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और जो अपना वो व्हील था विच हैंडल उसको मैं लेके कवे के अंदर से एक चीज़ निकालनी वो निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लगाया और कुएं के अंदर से वो चीज़ मैं निकालता हूँ। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मेरे को पता नहीं, कुएं को हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट मैं इसे कुआ बोलता हूँ। और कुएं के अंदर से कोई चीज़ मेरे को देखने को मिल जाएगी मेरे ख्याल से, इसके अंदर से मुझे मिलने वाला है, देखते क्या मिलता है। कोगविल लगता है मेरे को, इसका नाम कुछ कोगविल या ऐसा बोलते हैं मेरे ख्याल से, कोगविल ही बोलते होंगे। और यहाँ पे मेरे को गैसोलीन मिल गया, गैसोलीन बहुत काम की चीज़ है गाइस, मैं बता दूँ। गैसोलीन से होता यह है कि आप गाड़ी पूरी आप तैयार कर लोगे, बट गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल ही नहीं रहेगा, जो पेट्रोल आता है वही नहीं रहेगा, तो आप कैसे चलाओगे। गैस आता है, पेट्रोल आता है, उस वो चीज़ ही नहीं होगी तो कैसे चलाओगे। तो गैस भरने के लिए हमें गैसोलीन चाहिए था, और वो मुझे मिल चुका है, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप लोग जानते होंगे तो मैं क्यों चिमकांडी गिर कर रहा हूँ। तो अभी चिमकांडी 2 मिनट के लिए जो सोई थी वो भी जिंदा हो गई है, और अपन इसको लेके जाता है और वहाँ पे रख देता है थोड़ा साइड पे। और मैंने एक और गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ गिरा दी है, अभी वापस से चिमकांडी मेरी साइड आती होगी, बट उससे पहले मैं गैसोलीन यहाँ पे इस रूम के पास छोड़ देता हूँ। ओके मेरे को कार की चाहिए तभी मैं इस कार के डिक्की को ओपन कर पाऊँगा, बट मैं गैसोलीन यहाँ पे छोड़ देता हूँ कहीं पे, मेरे लिए बेहतरीन चीज़ होगी। सामने जो डोर है उसके पास या तो मैं देखता हूँ डोर के अंदर क्या है, मेरे को ये देखने दो। ये ऑन ऑफ वाली चीज़ क्या है मेरे को पता नहीं, बट गाइस मैं देखता हूँ यार ये क्या चीज़ है। ओके यहाँ पे मैंने गैसोलीन छोड़ दिया और इसको मैं देखते चलो कोई नहीं जाने दो, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। मेरे ख्याल से चिमकांडी आती ही होगी तो मेरे को थोड़ा संभल के खेलना होगा, मेरे ख्याल से चिमकांडी आ ना जाए बस। ओके आगे 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 नीचे आ रही है नहीं 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 मत देखना ऊपर गए चलो। तो यहाँ से हम लोग बच चुके हैं चिमकांडी की नज़रों से, और चिमकांडी गई वापस से बहुत आड़। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे छोड़ दिए, गैसोलीन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है बट मैंने गाड़ी के अंदर नहीं भरा है क्योंकि उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए। अभी मैंने ऊपर एक वेपन की छोड़ी थी, वेपन की और दूसरी भी की वगैरह मैंने देखा था, तो उन सभी चीज़ों को अपन को अभी कलेक्ट करने के लिए ऊपर की साइड जाना है।
तो गाइज अपन लोग वापस से इस रूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से मेरे को फिर से वो उठाना पड़ेगा जो आता है क्रोसबो, और मेरे को ग्रेनी को फिर से बेभान करना है, मतलब बेहोश करना है, और उसके बाद मेरे को वापस से 2 मिनट मिल जाएगी जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैंने बेल बजा दिया है, वो आती होगी चिमकांडी, चिमकांडी जैसी आएगी मैं 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उसे मैं बेभान करने वाला हूँ। आ जा चिमकांडी, फटाफट आ जा, बेहोश करना है तेरे को। ओके कब तक आएगी चिमकांडी? आ चुकी है वो और इसने दरवाज़ा किया ओपन, सामने मौत खड़ी है उसकी है वो और चिमकांडी गई। ये लो तो यहाँ पे मैंने चिमकांडी को कर दिया है ख़त्म। 2 मिनट के लिए मेरे पास अभी टाइम आ चुका है, मेरे ख्याल से अभी मेरे को क्रोसबो मतलब एमओ की ज़रूरत है नहीं, क्रोसबो लेके मैं भाग जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ जो दूसरा मेरा दरवाज़ा है, इधर से मैं कूद के सामने की साइड जाऊँगा। और सेब की अगर आपको याद हो तो हमें सेब की ले लेनी है, और जहाँ पे मैंने कौवा आपको मैंने बोला था वो कौवे के पास इसको छोड़ देना है, कौवा मतलब जो पानी खींचने वाला आता है उसके पास जाके मैं सेब की को छोड़ दूंगा क्योंकि आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस ये सेब की नहीं है, पेशियल की है, मेरे को अभी तक सेब की जो आती है वो मिली नहीं है, मतलब ये पेशियल की है जिसकी हमें ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी, तो उसके लिए सॉरी, बट हमें सेब की भी ढूंढनी है क्योंकि सेब की एक गेम का पार्ट है और अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पे मैं एक खाना ले लेता हूँ, जो एक बर्ड आता है उसका खाना ले लेता हूँ, अगर मैं उस बर्ड को खाना नहीं खिलाऊंगा तो वो मेरे को मार सकती है और एक ही बार में मैं ख़त्म हो जाऊंगा। बर्ड का खाना मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि मुझे आगे जाके बर्ड का खाना जरूर मतलब वो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। उससे पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, जो स्क्रू ड्राइवर है उसके द्वारा एक चीज़ मेरे को निकालनी हो मैं निकाल लेता हूँ। जाता हूँ सामने की साइड, सीढ़िया देख रहे हो, उस सीढ़िया के नीचे एक स्क्रू लगा होगा, वो 2 स्क्रू निकालना है और उसके अंदर से कोई एक चीज़ निकलेगी जिसको मेरे को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्क्रू ड्राइवर लेके। ओके एक स्क्रू ओपन, दूसरा स्क्रू ओपन, और यहाँ पे मुझे मिल चुका है सेब की। देखो मैं जो की बात कर रहा था सेब की, यहाँ पे मुझे सेब की मिल चुकी है, और सेब की इस गेम की सबसे बड़ी सफलता बोल सकते हैं अपन लोग, क्योंकि अगर सेब की नहीं मिलती तो कोई भी चीज़ आके पॉसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सेब की मिल चुकी है और यहाँ पे मैंने सेब की द्वारा सेफ ओपन कर लिया। अब सेफ ओपन करने के बाद मुझे उसके अंदर से मिला एक पकड़। अब इस पकड़ से मैं ऊपर की एक चीज़ वायर काट दूंगा, इसको वायर काटने वाली या कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं सेफ, मतलब मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं पता नहीं, बट मैं उसको पकड़ बोलता हूँ या तो वायर काटने वाला बोलता हूँ। वायर काटने वाली चीज़ मेरे को मिल गई, मैंने मतलब वायर को काट दिया। अब मैं जो बर्ड का खाना है उसको लेके जाता हूँ, एक बर्ड होगा जिसके अंदर, एक बर्ड को एक पिंजरे के अंदर बंद किया है इन लोगों ने, इस जो चिमकांडी ने, ताकि अपन यहाँ से भाग ना सके, और हमें भागना है तो बर्ड अगर हमें मार ना दे उस तरीके से भागना है। तो यहाँ से मैं सीक्रेट दरवाजे के बर्ड के पास आया, मैं बर्ड को खाना दे दूंगा इधर, और उसके बाद देखो बर्ड का खाना दिया, बर्ड वहाँ पे गया और मुझे यहाँ पे मिल चुका है जो एक चीज़ चाहिए थी, इसका नाम पता है क्या नहीं मेरे को, पता नहीं क्या नाम है, मेरे ख्याल से जो भी नाम होगा ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। इसकी भी ज़रूरत कार के अंदर नहीं पड़ेगी, कार के अंदर नहीं पड़ेगी, एक जगह है, एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर इसको लगाना इस तरीके से कोक बिल के साथ, जिसके द्वारा अपन एक नई चीज़ वहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलो अपन जहाँ पे पहले कुआ था एक, अगर आपको पता हो तो वहाँ पे जाना है, जहाँ पे हमने चिमकांडी को डाउन किया था, 2 मिनट के लिए बेहोश किया था, वहाँ पे मेरे ख्याल से हमें वापस जाना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं अभी ऊपर की साइड जा रहा हूँ, तो देखते क्या चीज़ होती है अभी। मेरे ख्याल से इसको भी कोकविली बोलते होंगे शायद से। तो हम लोग आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने एक बार चिमकांडी को डाउन किया था, 2 बार बेहोश किया था, और यहाँ पे वापस से आ चुके हैं, और हमें प्ले घर है, मतलब क्या बोलते हैं उसका यार, मैं नाम भूल गया, उसका नाम प्ले हाउस है, प्ले हाउस के अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर से मैं चाहता हूँ उस चिमकांडी को डाउन कर दूँ एक बार, 2 मिनट के लिए फिर से बेहोश कर दूँ, वरना चिमकांडी मेरे को वापस से परेशान करने वाली। तो आज ही चिमकांडी फटाफट आ जा, चल तेरा काम ख़त्म करते फिर मेरे को और भी काम है। तो चिमकांडी देख ले यार, आ जा यार, वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने एक और बार बेल बजा दिया है, अभी मेरे ख्याल से चिमकांडी आती होगी, थोड़ा वेट करके चिमकांडी आएगी, वापस से अपन लोग बेहोश करके एक और बार मैंने बेल बजा दिया। अब तो आ जाए यार चिमकांडी, क्या नोटंकी है, चिमकांडी गिरी हो रही है अपने साथ यार, क्या बोले, चिमकांडी आती ही नहीं। थोड़ा समय वेट करने के बाद चिमकांडी आती हूँ और यहाँ पे बेहोश करते हुए एक और बार चिमकांडी को। ये मेरे को ना इसके ऊपर तरस आ रहा है, ये इसी एक लोती चिमकांडी भूत है कि जिससे हम डर ही नहीं रहे, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मतलब बेहोश हो जा रही है यार। तो गाइज हमारे पास दोनों कोकविल आ चुके हैं, प्ले हाउस के अंदर कोकविल हमें यूज़ करना है वो भी हमें पता है, बट हमें प्ले हाउस की नहीं मिली है। तो अगर हमें एक रूम चेक करना बाकी, वहाँ से प्ले हाउस की मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना अपन दूसरी जगह पे जाएंगे और दूसरी की जो भी चीज़ मिलेगी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पे मिल गई हमें प्ले हाउस की, जो घर हमें देखना बाकी था उसी घर के अंदर से मेरे को प्ले हाउस की मिली है, और बहुत ही बढ़िया बात है गाइज, अभी तक तो बहुत दमदार चीज़ें जा रही है। और प्ले हाउस को मैं ओपन करने वाला हूँ अभी, और आ चुका हूँ, प्ले हाउस को करता ओपन। यहाँ पे मुझे अभी कोकविल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कोकविल के द्वारा ही मैं इसके अंदर से एक और चीज़ निकाल पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे कोकविल एक छोड़ा था, ये रहा कोकविल पहला वाला, और एक और कोकविल मैंने यहीं के पे छोड़ा था, ये रहा, यहाँ पे सामने मेरे को लगाना है, और एक कोकविल लगा दिया, अभी भी एक कोकविल हमें लगाना है, और दूसरा कोकविल मैंने यहीं कहीं पर रखा था,
इस घर वो ओके कवे के अंदर था, इसको भी ले लिया और इसको भी मैं लगा देता, अभी देखना क्या चीज़ होगी। ये बहुत सही है। ओके यहाँ पे इसको भी लगा दिया और भाई साहब की निकली है, परंतु मैं जितना खुश हो रहा हूँ उतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है की निकलने के बाद, क्योंकि वो की मास्टर की है और उस की का यूज़ तब होगा जब मैं दरवाजे के अंदर से बाहर जाऊँगा। अगर मैं दरवाजे से बाहर जाता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, वरना नहीं ज़रूरत पड़ती। यहाँ पे मैंने एक चीज़ थी गटरिया, जो नाला था गटरिया नाला, उसको साइड से हटाया और गटर के अंदर मैं आ चुका हूँ। इसको गटर ही बोलेंगे। ये रूम का हालत देखो यार, क्या यार येलो येलो सब कुछ है, तो मैं इसको गटर बोलूँगा। और गटर के अंदर मैं आ चुका हूँ। सामने देखो हमें एक एकदम एम लगा के उसके अंदर से एक चीज़ निकालनी, चाबी को तोड़ देना है, उसको लॉक को तोड़ना है। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्रॉसबो से शूट। ओके क्रॉसबो लग जा, पहली गोली, ओ भाई पहली बार में हो गया। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ और इससे अंदर से मेरे को मिला हैमर। भाई गाइस वो भाई एक वो कंकाल देखा भाई, ये चिमकांडी जैसे भूत के हाथों से पहले एक बंदा यहाँ पे मर चुका है। कैसे पॉसिबल ही नहीं, ये चिमकांडी मरी जा रही है और तुम मर गए भाई। क्या हमें उस टाइम पे कॉल करते हम तुम्हें बाहर निकाल देते, चलो कोई नहीं अपन बाहर निकलेगा, टेंशन मत लो। मेरे को हैमर मिला है गाइज, और हैमर की बहुत ज़्यादा आगे ज़रूरत पड़ने वाली। मैं गटर में ज़्यादातर रह नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा बास आ रही है। अभी मेरे को ऊपर की साइड जाना है और मैं ऊपर आ चुका हूँ, सक्सेसफुली ऊपर आ चुका हूँ। और मेरे पास अभी भी क्रॉसबो है, बट क्यों मैंने हाथ में रखा है पता नहीं। और यहाँ पे फिर से मैंने ग्रेनी को, मतलब जो चिमकांडी होती है, उसको 2 मिनट के लिए सुला दिया। हमारी जो चिमकांडी है ना, जैसे ही जिंदा होती है फिर से वो रेस्ट इन पीस हो जाती है। और यहाँ पे अपने भाई को चिमकांडी ने रेस्ट इन पीस कर दिया। मैं कैसे मानूँ, मैं अपने भाई का बदला लेने आया था। जो बंदा मर गया है ना इसके अंदर, जो पहले मरा था, उसका बदला लेने में आया हूँ गाइस। मैं उसका भाई हूँ, मेरे भाई को इन लोगों ने उसके अंदर मतलब वो मार दिया, अब मैं उसका बदला लेने। यहाँ पे क्या है, मीट। यहाँ पे मुझे मिला है मीट, मीट बोले तो वो मतलब मीट बोले तो क्या बोलते हैं उसको, हम शाकाहारी, ये लोग को पता नहीं रहता। मीट बोले तो मांस, मांस जो मांस खाते हैं ना अपन लोग, वो अपन लोग मतलब कई लोग खाते होंगे कई लोग नहीं खाते। मैं तो प्योर शाकाहारी आदमी हूँ, मैं नहीं खाता मीट। बट वो खाना हमें मिल चुका है, उस खाने की ज़रूरत पड़ने वाली हमें आगे जाके, बट कहाँ पे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो थोड़ी देर बाद में आपको जो चीज़ बताने वाला था, तो मतलब थोड़ी देर नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। जो मीट है उस मीट की ज़रूरत हमें पड़ेगी ऊपर जब अपन जाएंगे स्पाइडर के पास। एक स्पाइडर ऊपर के रूम में है, वो उस स्पाइडर के पास जाने से पहले हमें उसे खाना खिलाना पड़ेगा, मीट खाना देना पड़ेगा। अगर हम उसको खाना नहीं देगा तो वो हमें खा जाएगा और अपन वहाँ पर ही मर जाएगा और एक दिन हमारा फालतू का वेस्ट हो जाएगा। तो हमें मीट को लेकर स्पाइडर के पास जाना है। स्पाइडर क्यों ज़रूरी है स्पाइडर के पास जाना, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ अलमारी जैसा रहेगा, उस अलमारी के अंदर से हमें कोई भी की वगैरह मिल सकता है, कोई भी चीज़ हमें काम की मिल सकती है, जो जिसके लिए अपन को ऊपर जाना पड़ेगा। परंतु गाइज अपन एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है कि हमने चिमकांडी को डाउन किए हुए 2 मिनट मेरे ख्याल से हो चुका है, वो रो वापस से जिंदा हो गई होगी। तो एक और बार हमें चिमकांडी को मतलब मारना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, ताकि हमें और 2 मिनट मिले, उसके अंदर अपन स्पाइडर के पास जा सके। तो हमें फटाफट से चिमकांडी को यहाँ पे बुलाना होगा कुछ आवाज़ करके। तो मैं सोच रहा हूँ क्रॉसबो को उस घर के उस जो अलमारी उसके ऊपर मारता हूँ, ताकि आवाज़ होगा, चिमकांडी आएगी, मैं फटाफट से एमओ ले लूँगा और चिमकांडी को डाउन करूँगा। बट इतनी ही चीज़ करनी है, तो मेरा प्लान आप लोग समझ गए होंगे। चिमकांडी को बुलाने के लिए मैं अलमारी के अंदर मैं मार दूंगा, अभी शूट कर दूंगा, ताकि आवाज़ हो और चिमकांडी आ जाए और मैं उसको मार दूँ। ओके तो यहाँ पे आवाज़ किया, मैंने ले लिया एक शूट और चिमकांडी आती होगी, थोड़ा वेट करते। आ जा चिमकांडी आ जा। थोड़े समय बाद अपन लोग ओके वो कुछ बोली, आ रही है चिमकांडी आ रही है। ओ भाई भाई ये पीछे से कहाँ से आ गई भाई, फ्री फायर में भी मेरे को लोग पीछे से मारते, मैं सामने की साइड देख के खड़ा हुए, मेरे को पीछे से मार दिया चिमकांडी ने। भाई तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, अभी मेरे पास इसके बाद 2 ही दिन बचे हैं, मेरे को फटाफट से घर से बाहर निकलना है। यार क्या है क्या है यार, मैं मतलब सामने की साइड उसको लेके खड़ा हूँ, ये पीछे से आ गई चिमकांडी। यार हद होती है किसी भी चीज़ की यार, क्या है यार, मतलब नहीं मतलब ये नहीं जमा यार, तुम लोग पीछे से आके मार दोगे तो हम कैसे पार करेंगे ना इस गेम को। यार क्या नौटंकी है, पीछे से आ गई यार ये चिमकांडी, कितना भाई कितना सावधानी से मैं खेल रहा था तो पीछे से आई कैसे। मैं फटाफट से इसको पहले बेहोश करने वाला हूँ वापस से, मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो गाइज अपन लोग अभी हैमर लेके ऊपर की साइड डायरेक्ट भागते, ऊपर की साइड हैमर को लेके मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ऊपर की साइड। और हैमर के द्वारा मेरे को लकड़ी का जो एक घर रहता है, लकड़ी वाला चीज़ तोड़ना है फटाफट से। यहाँ पे रहा इस लड़की को तोड़ देता हूँ और लकड़ी तो जैसे ही अपन लोग ये लकड़ी को तोड़ देंगे, और मैंने वहाँ पे इसको जो लकड़ी तोड़ा उसको वहाँ पे इसलिए मैंने रखा है ताकि एक रास्ता बन जाए। और यहाँ पे आवाज़ हुआ है, ग्रेनी आएगी इसलिए मैं छिप चुका हूँ अभी के लिए, अभी देखना थोड़ी देर में चिमकांडी आती होगी। और चिमकांडी कहाँ पे गई, और देखो मैंने वहाँ पे एक प्लाईवुड जैसा कुछ जो आता है मैंने रखा हुआ है, लकड़ी जो तोड़ा है उसको तोड़ के वहाँ पे मैंने इसलिए रास्ता बनाया ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ जब वहाँ से आगे पीछे जाऊँ, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है जो टूट जाता है। तो यहाँ पे चिमकांडी आ चुकी है, आसपास देख रही है, कोई बंदा दिखा नहीं, चली जाएगी चिमकांडी।
टाटा बाय बाय चिमकांडी। तो यहाँ से चिमकांडी जा चुकी है और अपन वापस से बाहर निकलेगा और इस रूम के अंदर जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलने वाला है कौन सा की, वो भाई कार की मिल गया। गाइस अब तक की दूसरी सबसे बड़ी सफलता हमें कार की मिलने के साथ मिली है, क्योंकि कार की के मतलब सभी चीज़ अपन कार पूरा रेडी कर लेंगे, बट अगर हमें कार की नहीं मिलेगी तो हम कार नहीं चला सकते। और सामने की साइड एक देखा पंखा था, पंखे के अंदर एक चीज़ पड़ी थी वो हमें चाहिए, तो उसको लेने के लिए हमें जाना होगा, उसको मतलब वहाँ पे एक चीज़ है उसको लेने के लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए जो अपन नीचे की साइड जाएगा। और ये गटर या रास्ता कहाँ पर जा रहा है, बट उससे पहले हमने थोड़ा रास्ता किया मतलब आवाज़ किया तो चिमकांडी आती होगी, इसलिए मैं छिपा हूँ और चिमकांडी आगे मैं नीचे की साइड जाऊँगा, नीचे की साइड आ चुका हूँ। और मुझे कटिंग प्लायर चाहिए गाइज, जो कटिंग प्लायर जो पकड़ में बोलता है वो कटिंग प्लायर की जरूरत पड़ेगी, हमें ऊपर की साइड जो पंखा है उसको तोड़ना है। तो फटाफट से मैं कटिंग प्लायर लेने के लिए जा रहा हूँ और जैसे ही मैं कटिंग प्लायर ले लूँगा उसके बाद ऊपर जाके पंखे को तोड़ दूंगा। ओके तो गाइज अपन स्पाइडर के पास जाना है, हमें स्पाइडर के पास जाना है, सिंपल सी बात है स्पाइडर के पास जाना है। बट उससे पहले हमें एक और चीज़ करनी है, स्पाइडर के पास जाने के लिए हमें चाहिए की, और वो जो पेशियल की आती है वो पेशियल की हमें डिक्की के पास हमने नीचे गाड़ी के पास छोड़ा है। तो गाड़ी के पास जाते जाते मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपन कार की लेके जाए, और कार की लेने के साथ साथ हमारा एक और काम ही हो जाएगा कार की लेके जाएगा, तो गाड़ी के डिक्की के अंदर क्या है वो हमें पता चल जाएगा और वहाँ से अपन लोग पेशियल की लेके भी आ जाएंगे। तो चलो कार की लेके अपन सबसे पहले कार के पास जाते और उसका डिक्की ओपन करके देखते हैं डिक्की के अंदर क्या मिलेगा। तो डिक्की मैंने ओपन किया और तरबूज यहाँ पे मिल चुका है मेरे को, इसका नाम कोई मेलन बेलोन है जो भी है मेरे को पता नहीं, मैं इसको तरबूज बोलता हूँ। तरबूज को लेके मैं जाऊँगा अपना जो प्ले हाउस वाला घर था वहाँ पे, जहाँ पे हमने चिमकांडी को डाउन किया था बेहोश किया था। और मैं गटर ये रास्ते से वापस से मैं जा रहा हूँ गाइस, इस घर के बाहर निकलने के लिए गटर का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, सिंपल सी बात यार। तो यहाँ पे मैं जो तरबूज है उसको लेके मैं वापस से जाऊँगा उसके पास जो घर था अपना, जहाँ पे हमने चिमकांडी को तीन बार साइड से डाउन किया था मतलब बेहोश किया था, और वहाँ पे मैं आ चुका और वहाँ पे कटर है, ये रहा कटर। और इस तरबूज के अंदर मेरे को कोई चीज़ देखने को मिल जाएगी तो इसको मैं काटता हूँ। और गाइज मुझे तरबूज के अंदर से मिला है स्पार्क प्लग, जो है प्लग है, इस प्लग का उपयोग होता है गाड़ी के अंदर, इस प्लग का उपयोग जो यूज़ बोलेंगे गाड़ी के अंदर जो इंजन आता है उसको चलाने के लिए होगा। और मेरी मानो तो एक गेम की तीसरी सफलता है, अगर हमें ये चीज़ भी नहीं मिलती तो अपन यहाँ से भाग नहीं सकते थे और ये चिमकांडी से अपन पीछा नहीं छुड़वा सकते थे। तो अपन जाएगा गाड़ी के पास और गाड़ी के इंजन के अंदर इस चीज़ को डाल देगा ताकि मेरा इंजन फर्स्ट क्लास बन जाए और मैं भागने में मतलब पीछे मुड़ के मेरे को देखना ना पड़े। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग आ चुके प्लग को लेके गाड़ी के पास और इंजन के अंदर, इस प्लग को मैं लगा देता हूँ। उससे पहले मैं देखता हूँ प्लग लगा दिया यहाँ पे इंजन के अंदर, मैंने प्लग लगा दिया है और अभी मैं ऊपर की साइड वापस से जाने वाला हूँ। और अभी मुझे लगता है मेरे को स्पाइडर का काम जो है ना उसको तमाम कर देना चाहिए, जो स्पाइडर है उसका काम अपन अभी निपटाएंगे, क्योंकि जो स्पार्क की हमें मिल चुकी, स्पार्क की जो की क्या बोलेंगे स्पार्क प्लग आता है। बट उससे पहले मैं गैसोलीन भर लेता हूँ, चलो गैस भर लेते हैं गाड़ी के अंदर, पीछे मतलब बाद में भी भरना है अभी भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गाड़ी के अंदर गैस भर लेता हूँ और मैंने इंजन के लिए जो प्लग आता है स्पार्क प्लग उसको भी लगा दिया इंजन के अंदर, इंजन क्या बोलते हैं अभी मैंने इसके अंदर गैस भी डाल दिया। तो मेरी गाड़ी अभी कहीं ना कहीं पे आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी नहीं मैं तो बोलूँगा 75% मेरी गाड़ी मतलब कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कार की भी मेरे पास आ चुकी है। और ये सबसे अच्छी बात है, अभी मैं स्पाइडर का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं पेशियल की ले लेता हूँ, और पेशियल की और अभी मेरे को चाहिए पेड़ लोक की। अगर मेरे को पेड़ लोक की जो आती है वो स्पाइडर के पास से मिल जाती है तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी, क्योंकि स्पाइडर के पास से अगर मेरे को पेलो की मिल जाती है तो मैं गाड़ी को मतलब कम्प्लीटली, एक बैटरी भी चाहिए सॉरी बैटरी और ये सब चीज़ें मिल जाएगी तो मैं अभी एस्केप कर लूँगा। पेशल के लेके सबसे पहले अपन स्पाइडर के पास तो चलते हैं, स्पाइडर के पास से मिलेगा क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो चलो ऊपर की साइड स्पाइडर के पास जाते हैं। तो अपन लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके स्पाइडर वाले रूम के अंदर और मैं इसको ओपन करता हूँ, स्पाइडर रूम में जाता हूँ और मुझे स्पाइडर के लिए खाना जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था उसको मैं ले लेता हूँ और इस खाने को मैं स्पाइडर के पास रख दूंगा ताकि मेरे को स्पाइडर मार ना डाले। मेरे पास इसके अलावा दो ही दिन बचे हैं तो फटाफट से मुझे इसे कंप्लीट करना है। और एक खाना लेके मैं स्पाइडर के पास आ चुका और खाना छोड़ देता हूँ फटाफट से, ये लो खाना यहाँ पे डाल दिया और स्पाइडर आ गया। स्पाइडर देखा आपने मेरी से राइट साइड से गया। अब मैंने यहाँ से ओके पेलो की यहाँ पे मुझे मिल चुका है जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। अब मेरे को एक बैटरी चाहिए पेलो की मिल चुका है, अभी मैं डायरेक्ट गाड़ी के पास जाने वाला हूँ। तो गाइज अपन लोग आ चुके गाड़ी के पास और सामने वाला जो दरवाज़ा है इसको मैं पेड़ लोग से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओपन करनी। मैं हर एक चीज़ गाइज जरूरी है तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ जरूरी है जरूरी है, उसको मैं नहीं बोलूँगा आपसे। और गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जैसे आप वीडियो को लाइक मारोगे नीचे आपको एक लाल कलर के अंदर, बट उसके पहले चिमकांडी आ चुकी है और यहाँ पर मेरे पास ये रहा पकड़, मैं पकड़ को लेके ऊपर की साइड जाता। तो मैं ये बोल रहा था सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर करें गाइस क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं सब्सक्राइब कैसे करना है मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लाल कलर के बटन को दबाना है, लाल वाले बटन को जैसे ही दबाओगे सामने चिमकांडी आ जाएगी और छोड़ देना है। फिर यार क्या यार मैं सब्सक्राइब वाला बोल रहा हूँ तभी चिमकांडी को आना है क्या?
तो गाइज आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, उसके पास में एक बेल वाला आइकन बन के आएगा, उस बेल वाले आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। बात यहाँ पे खत्म करते गाइज, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे बड़ा पॉइंट मेरा है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। सबको इस चिमकांडी की कसम है, कर दो गाइज। तो गाइज मैं एक और बार क्रॉसबो से इस लड़की को मार देता हूँ जो चिमकांडी, उसको एक लास्ट बार डाउन कर देता हूँ, बेहोश कर देता हूँ और बैटरी लेके डायरेक्ट मैं अभी भागने वाला हूँ, मिशन कंप्लीट होने वाला है और आगे चिमकांडी और एक बार बेहोश। हमें फटाफट से अभी उस रूम के अंदर जाना है, बैटरी लेनी है और इधर कटिंग वाला वो लिया है, कटिंग जो भी बोलते हैं इसको लिया है, पकड़ को लिया, ऊपर की साइड में भागता हूँ और मुझे बैटरी लेके फटाफट से अभी भागना है। मैंने बैटरी यहीं कहीं पर देखी थी, कहाँ पर गई बैटरी मेरी, बैटरी मिल जा फटाफट से। तो गाइस अपन बैटरी ढूंढे उससे पहले हमने गलती कर दी, अरे यार क्या मैं फंस गया, हमने एक चीज़ मिस की। अगर आपको बताओ तो मैंने आपको बोला था पंखे के अंदर एक प्लग है जो पाना है उसको निकाल, वो देखो ये टूट गया, मैंने यहाँ पे इसको लगाया था, मैंने बोला था ना आपको ये रास्ता टूटेगा, अपन इसके अंदर से इस चीज़ को निकालेंगे जो इसको क्या बोलते हैं व्रिंचर जो भी बोलते हैं इसका नाम है, मैं इसको वो बोलता हूँ क्या बोलते हैं इसको पाना बोलते हैं हम लोग। तो ये पाने के जरिए अपन स्क्रू ओपन करेगा और उसके बाद हमें बैटरी मिलेगी, ये चीज़ हम भूल रहे थे। तो चलो अभी अपन लोग बैटरी लेने जाते हैं, ऑलरेडी 25 मिनट का वीडियो हो चुका है और अगर आप 25 मिनट तक इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आपको मज़ा आ रहा है सीरियसली ये बोल सकते हैं, या तो फिर मतलब तुम मेरी तरह ऐसे ही बैठे हुए हो तो आप देख रहे हो वीडियो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, तो मेरे को पता नहीं। अगर आपको इसका पार्ट टू देखना है तो कमेंट जरूर करना, तो मैं पार्ट टू करूँगा, मतलब मेरा बिल्कुल अभी वो नहीं है, मतलब कि मैं पार्ट टू इसका खेलूँगा जो चैप्टर टू ग्रेनी खेलूँगा, क्योंकि मेरा वैसे ही पहला जो चैप्टर आता है इस चैप्टर को ही कंप्लीट करने में दिमाग का दही हो गया है, तो मैं चैप्टर टू इसका कंप्लीट करना नहीं चाहता। बट आप बहुत ज़्यादा कमेंट में रिक्वेस्ट करोगे तो मैं सोचूंगा, बट 99% मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको ले लिया और इसको मैं फिट कर देता हूँ, पाने के जरिए जो इंजन आता है उसको मैं पूरा का पूरा फिट कर देता हूँ, सबसे पहले 6 के 6 बोल को टाइट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया है और मेरे ख्याल से अभी काम हो चुका है। और अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बैटरी लेने जाना है और बैटरी कहाँ पर मिलेगी वो मेरे को पता नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने देखी थी कहीं पर बैटरी बट देखते कहाँ पर अभी मिलती है। गाइस जहाँ से मैंने वेपन लिया है ना वहाँ पे मैंने बैटरी देखी थी और यहाँ पे रही बैटरी, तो मुझे यहाँ पे बैटरी मिल चुकी है और सक्सेसफुली मैं चिमकांडी के चंगुर से बच के भागने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर। मेरे ख्याल से अब ये चिमकांडी लास्ट बार मारे ना तो मैं 3 दिन के अंदर इस घर को छोड़ के भाग जाऊँगा और मेरे भाई का बदला ले लूँगा। मेरे भाई को उसके अंदर कंकाल बना के मार दिया था चिमकांडी ने, तो उसका बदला लिया और आ गए चिमकांडी, थोड़ी देर शांत बैठे गए ताकि चिमकांडी मेरे को मारे ना, और चिमकांडी आती हुई यहाँ पर और मैं पीछे की साइड से भागता हुआ। ओके बैटरी गिरा है यहाँ पे, मैंने फिर से बैटरी उठाया, अब चिमकांडी गई 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 वो चिमकांडी, अरे 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 बच गया। मैंने आवाज़ उस साइड पे इसलिए किया ताकि ग्रेनी घूम के वहाँ पे चिमकांडी जाए और मेरे को रास्ता क्लियर हो जाए ताकि मैं फटाफट से गाड़ी के पास जा सकूँ और गाड़ी के अंदर बैटरी लग जा फटाफट निकलना अभी। और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया है गाइज, वो सम अभी मैं इसको जो डिकी आता है इसका वो पैक कर देता हूँ, डिकी पैक करता हूँ, कार की मैंने ले लिया है, डिकी पैक किया, अब डायरेक्ट मैं कार को ओपन करने वाला हूँ, मैं वो आगे का पार्ट बंद नहीं करने वाला हूँ, गाड़ी के अंदर बैठा रिवर्स में गाड़ी खींचूंगा, गाड़ी को आगे ठोक दूंगा 2 बार, 1 बार ओके चलो, दूसरी बार ठोकेंगे वो रे दरवाजा हेलो टूट जाया वो ग्रेनी आ रही है चिमकांडी पीछे आ रही है। और यहाँ पे 3 दिन के अंदर गाइस अपन लोग भाग चुके हैं इसके अंदर से और मैंने ग्रेनी चैप्टर 1 कर दिया यहाँ पे कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, अपन ऐसे ही गेम प्ले लाते रहेंगे और पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म। मिलते कल सुबह एकदम नई लाइव स्ट्रीम के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।